good morning students this is part 3 of the chapter forms of market and in this video we are going to learn about nature of demand curve under the different market forms in my last video i had explained you about different types of market now in this video we are going to learn about the demand curve in the different types of market and before starting this i want to explain one thing more that average revenue curve is a firm's demand curve also is it clear your demand curve hota hai, wo average revenue curve bhi hota hai. that is why in the diagrams also i have written in a demand curve that oblique ar with the demand curve ठीक है क्योंकि एवरेज रेवेन्यू का मतलब क्या होता है इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड आउटपुट और डिमांड का भी यही रिलेशन था इट इज रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट इट मीन्स दैट डिमांड कर्व इज सेम एज एवरेज रेवेन्यू कर्व ऑफ द फर्म आई होप इट इज क्लियर बट आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू दैट एवरेज रेवेन्यू कर्व ही डिमांड कर्व होता है। ना द फर्स्ट पॉइंट अंडर परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में बेटा डिमांड कर्व क्या रहेगा? डिमांड कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सेस होता है। यू कैन सी इन द डायग्राम आल्सो ओ एक्स एक्सेस कंटेन्ट द क्वांटिटी डिमांडेड ओ वाई कंटेन्स द कर्व ऑब्लिक ए आर कर्व इट मीन्स यह डिमांड कर्व है एंड दिस इज पैरल टू एक्स एक्सेस इट मीन्स परफेक्ट कॉम्पिटिशन में डिमांड कर्व क्या होगा इनफाइनाइट पोजिशन पर होता है बिकॉज इट इज़ अ हॉरिजोंटल स्ट्रेट लाइन पैरल टू एक्स एक्सेस इट मीन्स इट इज परफेक्टली इलास्टिक इसीलिए मैंने ग्राफ्ट में क्या लिखा है ई डी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी

कंज्यूमर्स तभी ज्यादा खरीदेंगे जब प्राइजेस कम होंगे दैट इज वाई डी डी कर् इट स्लोपिंग डाउनवर्ड बट इट इज लेस इलास्टिक यू कैन सी इन द ग्राफ ग्राफेस कंटेन द क्वांटिटी एंड ओ वाई द प्राइस वेन द प्राइज इज ओ पी क्वान्टिटी डिमांडेड इज ओ क्यू ठीक है वेन द प्राइज रिड्यूजेज दैट इज ओ पी वन हो गया बेटा तब क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई ओ क्यू वन तो थोड़ा सा चेंजेस आए ना इट द डिमांड इज इलास्टिक बट लेस इलास्टिक क्योंकि यहाँ पे क्लोज सब्सिट्यूट नहीं है इसलिए बहुत ज्यादा डिमांड इलास्टिक नहीं हो सकती आई होप इट इज क्लियर नाउ थर्ड वन अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन डिमांड कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग बट मोर इलास्टिक इन नेचर यहाँ पे डिमांड कर्व

when the price is op the quantity demanded is oq but when price is reduced to op1 quantity demanded kya hui thi oq1 jo thodi si zyada hai as compared to monopoly to yahan pe elastic hai but perfectly nahi hai it is more elastic क्योंकि demand में changes आ रहे हैं with the changes in the price. और ऐसा क्यों possible है Because large number of

प्राइजेस कम होंगे आई होप इट इज क्लियर ना डिफरेंस बिटवीन द वेरियस टाइप्स ऑफ मार्केट फर्स्ट वन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेलर्स पहला है बेटा परफेक्ट कॉम्पिटिशन में लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं मोनोपोली में सिर्फ एक ही सेलर होता है मोनोपोलिस्टिक में फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं ओलिगोपोली में फ्यू सेलर्स हैं एंड मोनोपनी में मेनी सेलर्स है जो हम लोग ने डेफिनेशन और फीचर्स पढ़े थे उसी के बेसिस पे हमने इनके डिफरेंस करे सेकेंड वन नंबर ऑफ बायर्स परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हमने क्या पढ़ा था दैट इज अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स मोनोपोली में भी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं मोनोपोलिस्टिक में भी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स थे ऑलिगोपोली में भी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं मोनोपनी में क्या है देयर इज ओनली वन बायर थर्ड वन नेचर ऑफ़ द प्रोडक्ट इन अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन द इज एन होमोजीनियस प्रोडक्ट मोनोपोली ऑल्सो होमोजीनियस प्रोडक्ट है एक ही प्रोडक्ट है कोई सब्सटिट्यूट नहीं था कहीं पर भी मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन डिफरेंशियटेड प्रोडक्ट्स हैं ऑलिगोपोली में होमोजीनियस भी है और डिफरेंशियटिड भी है मोनोपसिनी में होमोजीनियस प्रोडक्ट है फोर्थ वन नेचर ऑफ नॉलेज परफेक्ट नॉलेज है परफेक्ट कॉम्पिटिशन है मोनोपोली में थोड़ी बहुत नॉलेज होती है मोनोपोलिस्टिक ऑल्सो सम नॉलेज ओलिगोपोली सम नॉलेज एंड मोनोपनी सम लेस नॉलेज बहुत ही कम फिफ्थ वन नेचर ऑफ एग्ज एंट्री एंड एग्जिट फ्री एंट्री एंड एग्जिट है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में मोनोपोली में क्लोज एंट्री है अलाउ नहीं है आना और जाना मोनोपोलिस्टिक में फ्री एंट्री एंड एग्जिट है ओलेगोपोली में भी क्लोज एंट्री है मोनोपसिनी में क्लोज एंट्री है सिक्स मार्केट पावर इन अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन नो मार्केट पावर इज देयर इन दिलर्स हैंड्स मोनोपोली लार्ज नंबर ऑफ लार्ज पावर इज देयर इन दिलर्स हैंड्स मोनोपोलिस्टिक स्लाइटली लेस पावर ऑलिगोपोली सिग्निफिकेंट लेस पावर एंड मोनोपसिनी लार्ज पावर इन द हैंड ऑफ द बायर बिकॉज देयर इज ओनली वन बायर नेक्स्ट सेवेंथ वन नेचर ऑफ इंफ्लुएंस ऑफ द प्राइस परफेक्ट कॉम्पिटिशन प्राइज टेकर है मोनोपोली प्राइज मेकर होते हैं मोनोपोलिस्टिक प्राइज मेकर हैं ऑलिगोपोली भी प्राइज मेकर हैं और मोनोपनी भी प्राइज मेकर है इट मीन्स क्या हो गया प्राइज मेकर और प्राइज टेकर का मैंने आपको मीनिंग बताया था बेटा प्राइस टेकर का मतलब जो अपना प्राइज डिटामाइन नहीं कर सकता बट एवर द प्राइज प्रिवेल्ड इन द मार्केट देव टू फॉलो दैट प्राइज और प्राइज मेकर का क्या होता है दे विल डिटामाइन देअर ओन प्राइजेस एट्थ वन सेलिंग कॉस्ट परफेक्ट कॉम्पिटिशन में सेलिंग कॉस्ट एग्जिस्ट नहीं करती है मोनोपोली में भी नहीं करती है मोनोपोलिस्टिक एंड ऑलिगोपोली में एग्जिस्ट करती है मोनाप्सिनी में नहीं करती क्योंकि सेलिंग कॉस्ट रिलेटेड है एडवर्टाइजमेंट के सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़ के जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन मोनोपोली और मोनाप्सिनी में बिल्कुल नहीं है नाइन्थ वन स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व इन अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन परफेक्टली इलास्टिक मोनोपोली नेगेटिवली स्लो बट लेस इलास्टिक मोनोपोलिस्टिक नेगेटिवली स्लो बट मोर इलास्टिक ऑलिगोपोली किंग शेप डिमांड कर मोनोपसनी नेगेटिवली स्लो रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एंड एम आर परफेक्ट कॉम्पिटिशन में एवरेज रेवेन्यू माइनल रेवेन्यू के इक्वल होता है बेटा मोनोपोली में एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्नल रेवेन्यू मोनोपोलिस्टिक ऑल्सो एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्केट रेवेन्यू रहते हैं मोनोपोली में सुपर नॉर्मल एक ही सेलर है मोनोपोलिस्टिक में नॉर्मल प्रॉफिट है ऑलिगोपोली में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है मोनोप्सनी में भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है आई होप ऑल आर क्लियर यू हैव टू लर्न एनी सिक्स पॉइंट फ्रॉम दिस नाउ असाइनमेंट फर्स्ट वन क्वेश्चन नंबर वन डिफाइन परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड एक्सप्लेन इट्स मेन फीचर्स परफेक्ट कॉम्पटिशन की डेफिनेशन लिखिएगा और उनके फीचर्स लिखिएगा बेटा क्वेश्चन नंबर टू हाउ इज़ परफेक्ट कॉम्पिटिशन डिफरेंट फ्रॉम प्योर कॉम्पटिशन परफेक्ट कॉम्पिटिशन और प्योर कॉम्पटिशन में मैंने आपको रिलेशन uh, बताया था कि अगर फर्स्ट थ्री फीचर्स हैं तो वो प्योर कॉम्पिटिशन कहलाता है एंड ऑल द सिक्स फीचर्स आर प्रेजेंट ऑफ द परफेक्ट कॉम्पिटिशन तो वो परफेक्ट कॉम्पिटिशन है क्वेश्चन नंबर थ्री डिफरेंस बिटवीन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन एंड परफेक्ट कॉम्पिटिशन जो मैंने आपको चार्ट लिख है उसमें से सिर्फ मोनोपोलिस्टिक और परफेक्ट कॉम्पिटिशन का ही आप लिखेंगे यू डेंट ऑल द मार्केट्स है डिफरेंसेस के लिए क्वेश्चन नंबर फोर ड्रॉ एंड कंपेयर द डिमांड कर्व अंडर द परफेक्ट कॉम्पिटिशन मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन तीनों के आपको डिमांड कर्व बनाने हैं ठीक है मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे क्वेश्चन नंबर फाइव एक्सप्लेन एनी फोर फीचर्स ऑफ ऑलिगोपोली फोर फीचर्स ऑलिगोपोली के बताने हैं आपको यहाँ पे आई होप ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर कंप्लीट दिस वर्क इन योर कॉपीज एंड थैंक यू स्टूडेंट्स